धीरे धीरे लोग आने लगे मेरे पास घर में ही. इनिशियली 2005 और 2006 में मैं घर में ड्राइंग रूम में ऐसे ही, चलो आपको इंटरेस्ट है तो आपको मैं सिखाऊंगी, ऐसे सिखाने लगी. किसी को बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ, मुझे कितने अवार्ड्स मिले. मैंने ऐसे ऐसे सिंपल लेडी मैं बताई. तो धीरे धीरे लोग आके मुझे बोले, मैम आप यहाँ शुरू कीजिए. फिर एक दिन मुझे क्या हुआ, हमको एक आदत है, कोई भी सिटी जाते हैं हम यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं. हम दोनों एक एजुकेशन फील्ड से, तो मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में गई, ड्रामा डिपार्टमेंट में क्या है, कुछ डांस का कुछ तो है क्या योग्य. और मैं UGC नेट किया है तो मेरे को PhD भी करना था. तो मैं हर यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रही थी, बट हम ट्रैवल करने की वजह से हो नहीं पाया वो 10 साल में. तो फिर वो भी पूछताछ करने गई थी, तो फिर वहाँ पर ड्रामा डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर शशिकांत बरानपुकर सर मिले. उन्होंने बोला ओके आप डांस के हैं. तो फिर इमिडिएटली मेरा लक है या जो भी है, इमिडिएटली 2007 में उधर BPA स्टार्ट हुआ. BPA मीन्स डांस बैचलर डिग्री इन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक. तो उसके लिए मुझे बुलाया गया. तो मेरा सौभाग्य था कि फर्स्ट डांस डिग्री जो भी वो दे रहे थे BPA और BA, उसमें मैं उधर ज्वाइन की एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरर. तो अभी 2007 से मैं वहाँ हूँ, 10 साल हो गए मुझे उधर. और धीरे धीरे फिर देवमुद्रा भी खड़ा होने लगा. ड्राइंग रूम से एक छोटा हॉल, छोटा हॉल से बड़ा हॉल, बड़ा हॉल से थोड़ा एक छोटा सा बिल्डिंग विथ. तो धीरे धीरे लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया मेरे उसमें विश्वास. और इनफैक्ट मैं औरंगाबाद को मेरा घर कहूँगी. जैसे मैंने आपको पहले बताया, पिछले 10 साल की जो हमारी शादी की ज़िंदगी में, हम ऋषिकेश, मसूरी, कानपुर, मुंबई ऐसे घूमते रहे. बट औरंगाबाद में आने के बाद मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिली, तो यहाँ मैं सिखाने लगी. तो धीरे धीरे इनिशियली तो लोग मुझे डाउट भी करते थे बहुत, मैम आप कितने दिन रहेंगे. यू नो, किसी को भी ज्वाइन करना है तो लोगों को लगता है ना, ये तो बाहर की है, कब चले जाएंगी. तो बहुत लोग ये क्वेश्चंस पूछते थे. मैंने सोचा था 2 साल 3 साल जितने भी साल रहूँगी, बट मैं अच्छी तरह सिखाऊँगी. मैं उनको ये भी बताती थी कि अगर मैं जाऊँगी तो भी आपको व्यवस्थित किसी के यहाँ करवा के जाऊँगी. तो धीरे 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 अभी देवमुद्रा का स्थापना होके 10 साल हो गए. 2006 में किया था और ऑफिशियली उसका ट्रस्ट बन के 2010 में ट्रस्ट बना. इट्स एन NGO, नॉन कल्चरल ट्रस्ट. तो उसके थ्रू हम, मेरा, मैं पहले से, जैसे मैंने बताया था ना, मैं मुंबई आने का कारण ही वो ये थोड़ा अलग सोच था मेरा. सिर्फ नृत्य करके या नृत्य सिखा के कुछ कमाना ऐसा नहीं था. वो तो फिर मैं हैदराबाद में भी कर सकती थी या कहीं पर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ नृत्य को उपयोग करके एक सामाजिक इश्यूज भी दिखाना है, सब कुछ. यू नो, नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं है, एक एंटरटेनमेंट नहीं है, वो सीरियस सब्जेक्ट है. ये मुझे हर वक्त मैं बोलती रहती हूँ अपने कार्यक्रमों में और लिखती भी हूँ. मैं आर्टिकल्स लिखी हूँ बहुत सारे, लोकमत इंग्लिश में, nartaki.com, सब जगह मेरा आर्टिकल्स पब्लिश्ड है. सेक्युलरिज्म इन इंडियन डांस ऐसे सब. तो मैं फिर बच्चों के साथ साथ लेडीज विमेन के साथ भी काम करने लगी. मैं बिड़किन में 3 महीने जाके उधर के ग्रामीण लेडीज के साथ काम किया. IIRD बोल के एक संस्था है, उन्होंने मुझे बुलाया था. वहाँ की लेडीज़ को तो मैंने सिखाते समय बहुत अच्छा अनुभव था, मैंने मुझे भी सीखने के मिला. उनकी उनको सिखाते समय सब लोग गिगल करते थे पल्लू में रख के, बहुत सारा ऐसा. तो बाद में एक मौका मिला उन लोगों को दिल्ली जाके परफॉर्म करने का. तो मुझे 4 लोगों को चुनना था उनके कार्यक्रम में. तो 4 लोगों को चुनने के लिए मुझे उनके सास ससुर से मिल के परमिशन लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला हम तमाशा में नहीं भेजेंगे. मैंने कहा तमाशा नहीं है, योग जैसा है. योग का नाम दे के एक छोटा सा नृत्य करवाया उनसे. बट इतना प्रॉब्लम था, वो एक यंग लेडीज रही थी ना अपने गांव की, तो उनके लिए मुझे उनके सास ससुर के परमिशन लेना पड़ा. फिर उन्होंने अलाउ किया, उनको बोला योगा है ये. तो ये सब प्रॉब्लम्स हुए, बट बहुत मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो मुझे, मेरे साथ 4 लेडीज गांव की मुंबई आई, दिल्ली आई और मेरे साथ परफॉर्म की संगत थोड़ा सा. तो बहुत अच्छा लगा, छोटा सा अचीवमेंट लगा मुझे, उनके लिए भी, उनको भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, मेरे लिए भी. और उसके साथ साथ मैं देवमुद्रा में भी हर साल विमेंस डे के समय जनवरी से, जैसे मेरे विमेंस वर्कशॉप्स चलते हैं जिसमें मैं 1.5 महीना 1 महीना स्त्रियों को डांस सिखाती हूँ और उनको प्रस्तुति भी करवाती हूँ 8 तारीख को. और अलग अलग क्षेत्रों से विमेन को बुलाती हूँ, ऐसे हर एक साल अलग करने की कोशिश करती हूँ.
पूरा साल भी सिखा सकते हैं विमेन को, लेकिन विमेन उतना टाइम नहीं दे पाते, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हो लोग. बट हमने किया, एक स्टार्ट किया अभी थोड़ा, हम लोग योगा कम एक्सरसाइज करते हैं विमेन के साथ सुबह. तो एक्चुअली विमेन हमारे यहाँ क्या होता है, वो टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम है उनके पास बट ये उनको सीखना है. मैं खुद भी सीखी हूँ, टाइम नहीं है ये आप एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा. और तब तक आप अपने लिए टाइम नहीं दोगे, आप अपने परिवार को भी अच्छी तरह टाइम नहीं दे सकते. आप फिजिकली प्रेजेंट हो घर में बट आप मेंटली एब्सेंट हो, तो उससे अच्छा आप एक घंटा चले जाइए वॉकिंग के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, बट आप फ्रेश होके आओगे घर में और आप अच्छा यू नो रिफ्रेश्ड वे में आपका जो ड्यूटीज़ है वो भी आप एक अच्छी तरह करोगे. नहीं तो बर्डन बोल के करते हैं ना आधे. तो ये सब मैंने देखा लेडीज़ में चेंज होते हुए डांस करने के बाद. डिप्रेशन कम होता है, लेडीज़ के फ्रस्ट्रेशन कम होते हैं, और जो 45+ 45 में जो मेनोपॉज, उन लेडीज़ में बहुत चेंजेस आया डांस करके. एक थेरेपी है डांस भी. हाँ, तो एक लेडी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैम 24 आवर्स में एक घंटा मेरे लिए बेस्ट है. और हम लोग और डांस क्लास होने के बाद बाहर जाके वो लोग गोलगप्पे वो सब खाते थे, तो बोलते थे कि हम लेडीज़ भूल गए कि हमारा एज क्या है, अभी हम लोग कॉलेज गर्ल्स बन गए. तो ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे उनमें देख के, वो सब छोटे छोटे चेंजेस देख के बहुत अच्छे लगते हैं. तो अभी भी कोशिश कर रही हूँ मैं, बट वीमेन वो ही आते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते. ये प्रॉब्लम है. बट बच्चों का तो बहुत अच्छा चल रहा है इनिशियली. ऑफकोर्स यहाँ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भी है, बट उनसे मुझे अभी मैं एट लेवल आ गई हूँ, और इनफैक्ट नेशनल लेवल का हमारा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं. वेदर इट्स कॉम्पिटिशन, वेदर इट्स एग्जाम्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स देवमुद्रा में. ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी में भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उनको यूथ फेस्टिवल सब जगह उनका एक स्टैंड उनको पोजिशन मिलने के लिए. तो कोशिश जारी है, मुश्किलें हैं बहुत, लेकिन मैं स्लो एंड स्टडी हूँ, मैं बहुत क्वाइटली काम करती हूँ, तो डिटर्मिनेशन है बहुत है, लेकिन हाँ मैं क्वाइट रहती हूँ. लेकिन कोई भी एडवर्स सिचुएशन में भी मैं क्वाइटली उसको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, तो मे बी उससे मेरे को थोड़ा मदद मिलता है. देव मुद्रा के लिए कुछ कभी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आपके इसमें आई कि नहीं इससे मैं उभर सकती हूँ, ऐसा सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा, या फिर कुछ ऐसे क्राइसिस आए हैं ये खड़ा करने के लिए? क्योंकि औरतें क्या करती है कि कुछ नया शुरू करती है और क्राइसिस आने के बाद 4 कदम पीछे हट जाती है. लेकिन आपका मैं देख रही हूँ कि पिछले 10 साल से एक देव मुद्रा एज ऐसी एक सिचुएशन पे आके खड़ा है कि जहाँ से उसको उसकी सबको दखल लेनी पड़ेगी. एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल बोलूँगी, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज हैं, मुझे तो राइट ऑफ कर दिया था स्पेशली डांस फील्ड के. अरे आई है कोई नहीं, बट अभी वो ही लोग आके मुझे कंग्रेचुलेट करते हैं. इनफैक्ट वो मैंने उनके स्टूडेंट्स भी मेरे पास आ रहे सीखने, वो खुद भेज रहे क्योंकि एडवांस लेवल. क्योंकि मेरा एक एक्चुअली क्या होता ना, आप एक यूनिवर्सिटी में सीखते हो आपका अप्रोच अलग रहता है. तो जो मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुझे ने दिया है, तो एक सिखाने का एक रूप है या जो भी एवरीथिंग एक साइंटिफिक वे में हम सिखाते हैं, तो मुझे मिला है वहाँ से. तो वो चेंज लोगों ने देखा इधर हमारा सिखाना, तो उन्होंने खुद भेजा मेरे पास गुरु, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने खुद अपने स्टूडेंट्स को मेरे पास कुचिपुड़ी सीखने भेजा. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ के गुरुज बहुत अप्रोच पॉजिटिवली ले रहे. और मैं और एक बात कोशिश करती हूँ, इंटरनेशनल डांस डे अभी है 29 अप्रैल को, यहाँ पर किसी ने किया नहीं अभी तक. एक्चुअली हमारे फील्ड में कोई करता ही नहीं है, पूरे बहुत इनसिक्योर रहते हैं. यू नो हमारे फील्ड में हर जगह आर्टिस्ट इनसिक्योर रहता है. तो मैंने ये कोशिश किया इंटरनेशनल डांस डे में 29 अप्रैल को हम जब कार्यक्रम करते हैं, मैं पूरे अपने सिटी के बच्चों को गुरुज को इन्विटेशन भेजती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स को भी भेजूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर. वो भेजते हैं, पिछले 5-6 साल से हो रहा है, तो अभी वो उसको वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. अभी वो भी हमको बुलाने लगे. आप सिखा रहे, मैं सिखा रही हूँ, मुझे यू नो आपको डरने की क्या बात. मेरी एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए शायद. लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि औरंगाबाद में ऐसा देखता है कि ये मेरा गुरुकुल है या मेरा ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये उसका ये उसका, लेकिन ये जो अलग अलग प्रवाह है या अलग अलग धाराएं हैं, ये एक साथ होके औरंगाबाद की कला की धाराएं या प्रवाह है ये एक साथ होके कभी आगे नहीं जाती है, तो ये क्यों होता है औरंगाबाद में? ये
को हर कोई अपनी अपनी ये औरंगाबाद ही नहीं ये हर जगह है। थोड़ा मेट्रोस में आजकल लोग फॉरम बना रहे हैं, हमने भी कोशिश किया एक डायरेक्टरी बनाने के लिए। हम सब मिलके कुछ कार्यक्रम करेंगे तो ज़्यादा फंड्स आएंगे, ज़्यादा हमारा प्रोग्राम अच्छा हो सकता है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरे लोग अभी साथ भी दे रहे हैं हमको, केतकी है, बहुत सारे लोग हैं, अजय शिंगे है, नितिन श्याले, मिस डॉक्टर जयंत शेट्टेकर बहुत सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट मीरा पॉस्कर मैम भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है अभी। तो हम लोग सब मिलके भरतनाट्यम को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि मेरा नहीं सोच के औरंगाबाद का डांस सीन, क्योंकि अभी भी हम पीछे है इफ यू कंपेयर टू मुंबई, चेन्नई, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता यही है। मैम अगर हर ने अलग अलग अपना घर बना के रखा है, ये क्यों हो रहा है? आप मुंबई जाते हो, कोई शो में जाते हो, हमारा एक प्रोडक्टिव, एक फिनिश प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा ठीक नहीं रहता। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है या कोई आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है, बट ही डजंट नो हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। ये मुंबई वाले, पुणे वाले बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे करते हैं, हाँ, तो अभी कोई शोज में भी जाते हैं लोग, एक लेवल तक जाके आ जाते, यू नो। तो ये हमको औरंगाबाद, हमने रिसेंटली मिले अभी, हम कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद स्टूडेंट्स को भी स्मार्ट बनाए, वेदर इन डांस, म्यूजिक, आर्ट, किसी में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्मार्ट बनाए, अपने प्रेजेंट, अपने आर्ट को प्रेजेंट करें, ये हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में क्या कहना चाहूँगी, लोग अपना अपना करते हैं ना, उसके वजह से होता है वो एक तो कई जगह ऐसा होता है वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरों का देखने भी नहीं देते। बट आप देखने देना चाहिए ना। मैं तो सब जगह भेजती हूँ, महंगा सब जगह भेजती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं। आप सब जगह जाओ, देखो, यू नो। और मैं उनको भी हमारे इंस्टीट्यूट में बुलाती हूँ, सबको बुलाती हूँ, कोई भी कार्यक्रम है मैं सबको इन्विटेशन भेजती हूँ। तो जब तक हम लोग एक में आके जुड़ के काम नहीं करेंगे तो औरंगाबाद का आर्ट सीन और आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक फॉरम बनाना चाहिए हमको। बट हम कोशिश कर रहे हैं अभी, काफ़ी ये 5 साल में औरंगाबाद का सीन बदल गया, मैं खुद देख रही हूँ। जब मैं आई तो मैं तो भाग जाना चाहती थी, बट अभी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारे संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत अवेयरनेस बढ़ गया। पहले लोग आते थे, जैसे सब्जी लेते ना मैम, 400 में 100 कम करो, 200 कम करो फीस में, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लेटर दे दो, मैं आपको फ्री में सिखा दूंगी, यू नो। बट अभी ये ऐसा करते थे क्योंकि उनके सबके पैसा है, बट उनका सोच डांस के लिए इतना पैसा क्यों दे, यू नो, ऐसा। तो बट अभी बदलाव आ रहा है। मेरे यहाँ कुछ 5-6 लड़कियाँ जो इसी फील्ड में आना चाह रही, वो ट्रेन हो रही है, वो अरंगेट्रम प्लान कर रही है, आगे मुझे पूछा उन्होंने एमए कहाँ करना है, बीए कहाँ करना है, मैं दे आर गोइंग करियर के हिसाब से सोच रही है, अभी सोच रही है, ये बदलाव है। मेरे इंस्टीट्यूट में तो काफी 4-5 लड़कियां सीरियसली सोच रही है, और उनके पेरेंट्स को भी काफी अभी, क्योंकि मैं बुलाते रहती हूँ उनको, जब भी हमारा फेस्टिवल होता है मैं कोई कलाकारों को बुलाती हूँ, स्कॉलर्स को बुलाती हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ या और ऑडियंस के साथ उनका चर्चा बातचीत करवाती हूँ। तो लोगों को, मेरे जो क्लास के संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, उन सबको हम लोग बहुत एक्सपोजर देते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स अभी अच्छा काम करने लगे। हाँ, लेकिन किसी के कोई भी काम के लिए टाइम लगता है, तो मेरा 8-9 साल बहुत मेहनत था। मैं कई बार औरंगाबाद छोड़ के जाना भी चाहती थी, देवमुद्रा बंद करना चाहती थी, जैसे आपने कहा कभी कभी, क्योंकि इनिशियली फाइनेंशियली भी तो चाहिए ना, आपको खड़ा करना है तो वो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा कुछ पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, वैसे बहुत प्रॉब्लम्स आते थे फाइनेंशियल भी, क्योंकि हमको अभी तक कोई फंड्स नहीं मिले गवर्नमेंट के, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार मैं सोची देवमुद्रा बंद करके मैं कोई जॉब ले लूँ, यू नो, दैट इज़ ईजी ना, गो टू 9 to 5 जॉब लो, आपका एक लंप पैकेट आता है, लेकिन मैं अभी तक जॉब नहीं ले रही हूँ। इसमें बहुत कठिनाई है, पैसा कम है, बट मैं इसी को ही फॉलो कर रही हूँ, आ जाएगा, आई एम हैप्पी, सिंपल लिविंग है मेरा। आपण बघतो मॅडम नी सांगितलं आपल्याला की करिअर म्हणून देवमुद्राला उभं करताना किंवा नृत्याला स्वतःचं करिअर बनवताना त्यांना किती त्रास सहन करावा लागला। ज्या महिला पारंपरिक वाटेने स्वतःचं करिअर करू पाहतात त्या महिलांसाठी तर मॅडम, सौम्या मॅडम हे खरंच खूप छान उदाहरण आहे की वेगळ्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपल्याला करिअर करता येतं, पण त्यासाठी आपल्याला जो धैर्य लागतं, त्यासाठी जो आपल्याला वेळ द्यावा लागतो तो किती महत्त्वाचा आहे हे त्यांच्या ह्याच्यातून बोललं।
सौम्या मॅडमनी खरं करिअर तर केलं, परंतु त्यांचं स्वतःचं एक नृत्यामध्ये वेगळं स्थान या पूर्ण क्षेत्रामध्ये निर्माण झालं आहे आणि त्यासाठी त्यांना वेगळे वेगळे पुरस्कार मिळाले. तर हे पुरस्कार कोणते कोणते आहेत ते आपण त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया. मॅडम आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो ये कौन से पुरस्कार है, उसमें सा सबसे प्रेस्टिजियस कौन सा पुरस्कार है ये जरा आप बताइए. बहुत सारे नहीं, मैं अभी भी छोटी कलाकार हूँ, एक एक बड़े ओशन में छोटा सा ड्रॉप हूँ. मुझे मिला इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का विशाखापट्टनम से जतीज अवार्ड मिला है. उसके बाद ओडिशा नेशनल लेवल का नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला है, और चेन्नई से मैलापुर एक जगह है, वहाँ पर सुमुकी फाउंडेशन, वो बहुत प्रेस्टिजियस फाउंडेशन है, उधर से मुझे नृत्य गुरु कमलम ऐसे एक अवार्ड मिला है, और एक नेशनल जतीस ऑर्गेनाइजर बोल के ऑर्गेनाइजर के लिए भी मिला, क्योंकि आजकल मैं फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती हूँ. और छोटे ऐसे क्लब्स के तो बहुत मिले हैं, बट ये तीन चार बहुत नेशनल लेवल के मिले हैं अवार्ड्स. एंड ऑफ कोर्स मैं इसी में एमए की हूँ, मेरा एजुकेशन पूरा इसी में है, एमए इन भरतनाट्यम, एंड देन यूजीसी नेट जो लेक्चरशिप का कोर्स वो किया, और अभी मेरा पीएचडी 4 साल से जारी है, जो मैं इस साल फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ, करना ही है मुझे. मैम देव मुद्रा के बहुत सारे फेस्टिवल, हर साल फेस्टिवल होता है, मिनिमम तीन तो होते हैं, तीन तो दो दो होते नेशनल के और एक हैं. मेरे जो लोकल है. नेशनल का होता है उसमें आप अलग अलग स्टेट से या अलग अलग से आप कलाकारों को बुलाती हाँ है, जी, गुरुओं को बुलाती है, तो ये सब आपको मैनेज करने में कितनी तकलीफ होती है? एक्चुअली मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं, मेरे को आर्टिस्ट पूछे, मैम आप ऐसे कैसे करती हो, आप तो आपके बहुत कॉन्टैक्ट से ऐसे से बोलते हैं. बहुत तकलीफ होती है इनिशियली, तो हमने अपने जेब में से भी 1-1 लाख खर्च किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मैंने उन्होंने दिया फेस्टिवल के लिए, तो बट धीरे 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 हमको छोटे छोटे सपोर्टर्स मिलने लगे, स्पॉन्सर्स, आई वोंट से कि बड़े, बट छोटे छोटे, जैसे थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके, यू नो, लिटिल लिटिल अमाउंट हम करते थे, पर फिर भी हमको अभी फेस्टिवल करते हैं, ऐसे नहीं कि हमको कुछ जैसे आता है, इनफैक्ट कभी कभी हमारे जेब से ही जाता है, यू नो, प्रॉब्लम्स होते हैं. हम कलाकारों को क्या मीन्स, आई डोंट वॉन्ट यू यूज़ दैट वर्ड, उसी में क्रेजी है हम लोग. मैं फ़ायदे का नहीं सोचती हूँ, चाहिए तो मैं अभी तक मैं डायमंड्स ले सकती हूँ, कितने बार मैं लाखों खर्च किया फेस्टिवल्स में, यू नो, तो मेरा दिए मेरा पूरा उसी में लगा रहता है, फेस्टिवल या डांस. अगर मुझे अभी मेरे पास पैसे मिल गए, मैं सोचती हूँ डांस के लिए और एक सीडी ले लूँ, या फिर एक डांस का कॉस्ट्यूम ले लूँ, या फिर डांस मेरे देवमुद्रा में क्या खरीदूँ, मैं घर के लिए सोचती नहीं हूँ. तो हमारा मीन्स हम उसी के लिए बने हैं. लोगों को, आम लोगों को और भी लगता है ये क्या पूरा पैसा इसमें डालते हैं, हम लोग पर्सनली डालते हैं बहुत, तो उस टाइप के लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी ऐसे हैं, हम इसी में पूरा, हमको 1-50 हज़ार अभी मिल गया, हम सोचने लगते हैं नया प्रोडक्शन क्या करें, यू नो, लोग कुछ, हमने अपना सोफा नहीं बदला पिछले 5-6-7 साल में, ठीक है, यू नो, चल रहा है ना, सिंपल लिविंग, बट हम ये कला के क्षेत्र में और आगे क्या कर सकते, बहुत सारा हमारा लाइब्रेरी है, बुक्स हमारे ट्रेजर है, घर में भी, मेरे संस्था में भी, तो इन सब में हम ज़्यादा खर्च करते, तो मुश्किलें तो हुए, बट अभी प्रेजेंटली मेरे जो पेरेंट्स, स्कूल के पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बहुत मदद कर रहे हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आके हमको मदद कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली हमने बहुत डाला, अभी भी मुझे डालना पड़ता तो मैं डालती हूँ, तो वैसे हैं हम लोग. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते वक्त. मुझे एक क्यूरियोसिटी ये है कि आपने ये सब खड़ा किया, उसमें खुद सौम्या कहाँ है? नृत्य और सौम्या, ये इक्वेशन आप कैसे लगाए? एक्चुअली मैम मुझे क्या लगता है कि देव मुद्रा मेरी बेबी है अभी, उधर मेरा बेटी नहीं है अभी तक, मेरा एक ही बेटा है जो अभी 19 का हो जाएगा, पूना में पढ़ रहा है, लेकिन वो जो क्लास में जो बच्चे आते हैं देव मुद्रा में, सबको मैं बेटियाँ मानती हूँ, और मैं आई रियली एन्जॉय वॉचिंग देम ग्रो, वो लोग अपना अपना देखते हो, सब भी वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो देव मुद्रा में
मैं भी एक कलाकार जैसे मैम देवमुद्रा मुझे एक नेशनल और इंटरनेशनल स्थान दे दिया। अभी लोग सौमिश्री को तो जानते थे पहले, बट अभी देवमुद्रा को जानने लगे। यू नो अभी औरंगाबाद में फेस्टिवल होता है, ये सबको मालूम हो गया। मुझे हमारा जो संस्कृति फेस्टिवल होता है उसका उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं बड़े बड़े कलाकारों का, मुझे ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी फेसबुक में हो या वेबसाइट देख के लोग बहुत हमको अप्रोच करते हैं। तो हमारा एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बन गया है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। बट तो मुझे वो खुशी है कि समवेयर जब भी मैं फेस्टिवल करती हूँ पर्यटक भी आते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने संस्कृति फेस्टिवल और कंपटीशन किया था, उसमें 150 स्टूडेंट्स आए थे पूरे भारत से, उनके पेरेंट्स आए थे, उसमें से आधे लोग तो रुक के अजंता एलोरा देखे। तो मुझे ये खुशी हुई चलो इसी बहाने लोग इसके लिए भी रुक रहे, दो दिन रुक के वीकेंड, यू नो। तो औरंगाबाद के एक उसको अपने नेशनल लेवल पे वर्ल्ड मैप में भी ले जाने के लिए मैं मेरा समहा हमारे देवमुद्रा का नाम थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरा भी ग्रोथ हो रहा है काफ़ी देवमुद्रा की वजह से, मुझे नाम मिल रहा है, मेरे वजह से देवमुद्रा का मिल रहा है, आपस में हम दोनों। एक्चुअली मैं अभी अलग नहीं समझती हूँ क्योंकि देवमुद्रा मेरा एक छोटा सा बेबी, मैं जैसे इतने से छोटे से इससे भी छोटा सा हॉल में स्टार्ट किया, यू नो। तो अभी उसके ब्रांचेस बन गए, एक मेरी एक स्टूडेंट नागपुर में सिखा रही है, मैं जाती हूँ हर 2-3 महीने में, एक इंदौर में, तो और उधर भी सब एग्ज़ाम प्रॉपर। तो अभी वालूज में पूछ रहे, तो अच्छा बढ़ रहा है। इनफैक्ट अभी ऐसा हो गया कि मैं औरंगाबाद की हो गई, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा इधर से चले जा रहे हैं। हाँ मैं निकल नहीं पा रही अभी तो मुश्किल। मैं औरंगाबाद मेरा कर्मभूमि हो गया, तो अभी तो और मुझे बहुत नाम भी मिला औरंगाबाद में। ऑफकोर्स पहले नाम था लेकिन देवमुद्रा यहाँ बना, पहले देवमुद्रा था मुंबई में, बट यहाँ जो देवमुद्रा बना वो मुझे नेशनल रेपुटेशन मिला। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला औरंगाबाद मेरा घर भी बन गया उसी वजह से। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो इस क्षेत्र में एज अ करियर करने के लिए लड़कियां आएंगी उनको आप क्या सुझाव देंगी एज अ करियर? अच्छा अच्छा शौक से तो हर कोई सीखता है, लेकिन इस जैसे आपने इसमें करियर किया है, आप खड़ी रही है इसमें, तो आने वाली लड़कियों को इस करियर के लिए आप क्या सुझाव देंगी? जो भी इसमें करियर करना चाहता है, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को हम सिखाते हैं वो इसी फील्ड में करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, आपको फिजिकल फिटनेस तो चाहिए और डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए। जैसे गिव अप नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट क्विक, इंस्टेंट नहीं है ये। आपको इंस्टेंटली कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिनिमम 4-5-7 साल तो मिनिमम देना पड़ता है, तब जाके आपको थोड़ा सा आता है। अभी मैं करीब करीब 25-30 साल से सीख रही हूँ, अभी भी मैं समझती मुझे नहीं आता। अभी मैं 14-15-16 नालंदा में एक वर्कशॉप है सीनियर्स के लिए, मैं उसके लिए जा रही हूँ। तो हर वक्त आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। हाँ लेकिन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली 12th इज़ नेसेसरी, 12th, क्योंकि 12th करेंगे तो आप बाद में लाइफ में भी कुछ और भी करना चाहते, बेसिक 12th आपको करना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमारे डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में BA डांस कोर्स है, BPA है, दोनों में बैचलर डिग्रीज का कोर्स दिया जाता है 3 साल का। प्लस नालंदा में है जो मुंबई यूनिवर्सिटी का अफिलेटेड है, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय वहाँ पर है, और पुणे में है। अभी हर सिटी में हर यूनिवर्सिटी इसमें डिग्री देता है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड देखते हम लोग, थोड़ा सा आपको रिदम सेंस देखते हैं, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेके। तो आपका रिदम होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि कोई भी, सब लोग को अच्छा लगता है डांस करना, बट इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एंड्योरेंस है क्या 10 साल करने का, 15 बाद में, यू नो। इवन अगर उसको BA भी कंप्लीट करना है तो 3 साल सीरियस लर्निंग रहता है ना, तो उतना एंड्योरेंस है कि नहीं ये देखते हम लोग। तो फिजिकल फिटनेस इज़ वन थिंग एंड डिटर्मिनेशन चाहिए, इतना ईजिली नहीं मिलेगा आपको, फेम भी बहुत ईजिली नहीं मिलेगा। जैसे लोग उसी लिए शायद जैसे इंजीनियर में आपको इंस्टेंटली जॉब भी नहीं मिलेगा, धीरे से मिलेगा। बट अभी एक प्लस पॉइंट क्या है, अभी स्कूल्स में अभी नया एजुकेशन सिस्टम में जो भी 10th पास करते हैं उनको 5% बच्चों को मिल रहा है जो डांस कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है।
पहले स्पोर्ट्स वालों को मिलता था, तो अभी और सीबीएसई में आईसीएसई में डांस ऑलरेडी इज़ अ सब्जेक्ट ऑप्शनल, अलग अपने मैथमेटिक्स इंग्लिश सबके साथ तबला ले सकते, डांस ले सकते, म्यूजिक ले सकते, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट हो गई. अभी हर एक स्कूल डांस टीचर अपॉइंट कर रहा है. मैं खुद मेरे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों को भेजती हूँ, तो मेरे को कॉलेज के प्रिंसिपल्स या स्कूल के प्रिंसिपल्स फ़ोन करते हैं, मैम एक टीचर भेज दीजिए. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हो गया. अभी अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आप कोरियोग्राफी में जा सकते हो, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री बट टीवी शोज है, आजकल इवेंट कंपनीज है, हर जगह प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरह बहुत सोचते लोग. वेदर इट इज़ अ वेडिंग, इवन अ वेडिंग और अ बर्थडे पार्टी, लोग डांस भी करवाते मैंने. तो हर एक इवन इफ इट्स अ टूरिज्म इवेंट, सब में एक डांस को यूज़ कर रहा है आजकल. इवन प्रोडक्ट हम लोग मैम ऐसे ऑफिशियल प्रोडक्ट को भी लॉन्च करते हैं कभी कभी डांस के थ्रू. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपको हाँ मेहनत है क्योंकि फिजिकल आपको पेन तो होगा ही इनिशियली, तो आपको वो बेयर करने का स्ट्रेंथ रहना चाहिए. बैठ के पढ़ने का काम नहीं है इसमें, आपको दिन में 3-4 घंटे तो फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा. और क्लासिकल डांस तो बहुत ही टफ है, आपको घुटने दर्द होंगे, हाथ में दर्द होगा इनिशियली 15-20 दिन, एक महीना आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट एक बार आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिर आप देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड और एक बात कहना चाहूँगी, मेरे स्टूडेंट्स एब्रॉड भी गए हैं, मैं खुद एब्रॉड जाती हूँ, वहाँ जो इज्जत मिलती मैम, वहाँ जाके हमको मालूम पड़ता है कि हमारी चीज़ जो है, मुझे तो एक बार रोना आ गया था. मैं इसको इतना ऐसे है, अपना ही है ना, ऐसे लेते ना आप, अपना डांस है, चलो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी या कोई भी, वहाँ जाने के बाद इसको इसका महत्व कितना बड़ा है ये मालूम पड़ता है. तो बिल्कुल बहुत इज्जत मिलती है, और स्टूडेंट्स भी जो अब्रॉड जाके पढ़ते हैं उनको भी जब इंडियन कल्चर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनको एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत इजी होता है. तो ये बहुत आपको करियर के लिए भी और दूसरे करियर के लिए भी आप अगर सीख रहे हो ये आपको बहुत काम आएगा. अपन सौम्याश्री मैडमशी चर्चा करताना गप्पा मारताना हे पाहिलं की नृत्याला सुद्धा करियर बनवता येतं, आणि याच्यामध्ये जर मेहनत घेण्याची तयारी राहिली तर कधीही मागे वळून पाहण्याची गरज आपल्याला पडणार नाही. तेव्हा माझ्या मैत्रिणींनो हे लक्षात घ्या की कुठलंही करिअर हे कष्टाशिवाय होत नाही, त्याच्यासाठी कष्ट तर घ्यावेच लागतात परंतु त्यात स्वतःला झोकून द्यावं लागतं. मग तुम्ही ती वाट पारंपरिक असो किंवा सौम्या मॅडमसारखी काहीतरी वेगळी निवडलेली असो, त्या इथे आल्या आपल्या मैत्रिणींशी या रणरागिणी कार्यक्रमामध्ये, ही एक रणरागिणी नृत्यामधली इथे येऊन आपल्याला तिने खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपण त्यांचे धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅडम, मुझे आप सबने सुना और आपने बुलाया. मुझे अपना थोड़ा अपने लाइफ के थोड़े इंसिडेंसेस आपसे शेयर करने के लिए मौका मिला, शायद अच्छा लगा मुझे. आपको प्रेरणा मिलेगी शायद थोड़ा सा, आप लोग भी खुश रहे. थँक यू सो मच, नमस्कार. आपण इथेच थांबूया आणि पुन्हा भेटत होऊया नवीन कार्यक्रमात रणरागिणीमध्ये अशाच एका नवीन पाहुण्यांसोबत. धन्यवाद.